हम आज तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बजरंग बली की महिमा की एक झलक दिखाते हैं, पावन झलक दिखाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ के महल में जाकर डमरू बजाया और जोर से बोले शिव शंकर दर्मदार इक आया। फिर राम लखन और भरत शत्रुघ्न आ गए थे बाहर, राजा दशरथ भी रानी सहित आए थे निकल कर। वानर के रूप में बाला ने प्रभु राम का दर्श किया और मन ही मन प्रभु चरणन में तुमने प्रणाम किया। फिर कूद कूद कर उछल उछल कर खेल दिखाए थे, शिव भोले ने भी बालक राम के दर्शन पाए थे। राजा दशरथ भी रानियों के संग मोद मनाते हैं, प्रभु राम के दर्शन की लालसा पूर्ण हो गई, हनुमान जति की इच्छाएं संपूर्ण हो गई। अब खेल खत्म हुआ, वानर का सब वापस जाने लगे, वानर रूपी हनुमान के आंसू भर भर आने लगे। प्रभु राम से बोले मन ही मन वापस ना जाऊंगा, अगर साथ मिलाना तेरा तो मैं यही मर जाऊंगा। अपने भगत की बात को प्रभु राम ने जान लिया, इच्छा पूर्ण करने की मन ही मन में ठान लिया। अपने मन की इच्छा राम दशरथ से बताते हैं, इस मदारी को तुम ढेर सा पैसा दो और पैसे के बदले में मुझको ये वानर ले दो। दशरथ जी बोले इस वानर का क्या करोगे राम, ये निरही सावन चर तुम्हारे आएगा क्या काम। फिर राम जी बोले इस वानर को मैं तो पालूंगा, सुंदर सुंदर गहने इसके मैं गले में डालूंगा। ये सुनकर भोले बाबा भी मन मन में मुस्काए और आंखों ही आंखों में हनुमत को ये समझाए, अभी समय नहीं आया चलो हम वापस जाते हैं।
शंकर की आज्ञा से हनुमत वापस आए। प्रभु राम चरण का अपने हृदय ध्यान वो लगाए। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ समय था बीत गया। हनुमत बाला तो सूर्य देव का वादा चेत गया। सूर्य देव ने हनुमत से एक वचन भराया था। गुरु दक्षिण में हनुमत ने देखो शीश नवाया था। तुम युवा अवस्था में सुग्रीव के महल को जाओगे, बनकर उनका तुम सचिव अपना वादा निभाओगे। हनुमान जति तो गुरु को दिया वचन निभाते हैं। बाली सुग्रीव दो भाई थे, दो जिस्म थे पर एक जान। भाइयों की जोड़ी कोई नहीं थी उन दोनों के समान। गया युद्ध को बाली एक दिन तो फिर लौट के ना आया। सभी प्रजा जनों ने मिल सुग्रीव को राजा बनाया। थोड़े ही दिनों में बाली लौट के महलों को आया। देखा सुग्रीव को राजा, मन में क्रोध था भर आया। सुग्रीव की पत्नी हरण करी और राज भी हत्याया। सुग्रीव कुमारन की खातिर वो रणभूमि आया। तुम शांत रहो बाली, हनुमत जी उसे समझाते हैं। बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत भाग गया। हनुमान सहित वो सेना भी कुछ लेकर साथ गया। शापित बाली ऋषिमुख पर्वत आ नहीं सकता था। सुग्रीव यहाँ पे निर्भय था, बाली मार न सकता था। और उधर समय ने करवट बदली, बदली समय धारा। राजा बनना था राम न भटके बन मारा मारा। संग में थी पत्नी सीता और संग में थे लखन भाई। फिर पंचवटी में रहने को एक कुटिया बनवाई। भगवान की लीला को हम सब कोई जान न पाते हैं। सीता के प्रति पापी रावण के मन में था मैल भरा। रानी मैं तुझे बनाऊं, उसने मन में था ध्यान धरा। मारीच को कंचन मृग के रूप में कुटिया को भिजवाया। वो सोने का मृग सीता के मन को था अति भाया। वो बोली राम से मुझको वो सोने का मृग ला दो। मेरे मन की ये इच्छा प्रबल है, पूरी करवा दो।
फिर राम लखन दोनों ही मृग के पीछे चले गए। सीता को कुटिया में छोड़ अकेली दोनों ही चले गए। रावण ने हरण किया सीता का, हम तुम्हें बताते हैं। हे जनक दुलारी की चिंता में राम लखन है राम। उस खोजन चल दिए थे दोनों रघुवंशी बलवान। फिर खोजते खोजते ऋषि मुक पर्वत के पास आए। देखा सुग्रीव ने दोनों को थे प्राण गले आए। कहीं बाली के ये दूत न हो मन ही मन घबराए। फिर दौड़ते दौड़ते हनुमत बालाजी के पास आए। जाओ पवन सुत जाकर इनका भेद निकालो तुम। संकट की आज घड़ी में मेरे प्राण बचा लो तुम। हनुमत बालाजी फिर सुग्रीव को धीर बंधाते हैं। फिर भेष बना ब्राह्मण का हनुमत पहुँचे उनके पास। देखा उनका रूप तेजस्वी बोले बनकर दास। को तुम श्यामल और गौर शरीरा हमको बतलाओ। यदि बुरा नहीं मानो तो अपना परिचय बतलाओ। दशरथ जी के हम पुत्र हमारा नाम है राम लखन। छल से किसी ने कर लिया है सीता जी का हरण। यदि तुम्हें पता है सीता का तो हमको बतलाओ। इस संकट की घड़ी में हमको रास्ता बतलाओ। हम सीता जी को खोजते खोजते भटकते जाते हैं। फिर हाथ जोड़ कर हनुमान ने भेष उतार दिया। नतमस्तक हो प्रभु चरणन में दंडवत प्रणाम किया। बड़े प्रेम से राम प्रभु ने तुमको ऊपर था उठाया। फिर बड़े स्नेह के भाव से तुमको गले से था लगाया। बोले प्रभु जी माँ सीता की चिंता को तज दो तुम। वानर के राजा सुग्रीव से प्रभु करो मैत्री तुम। कांधे पे बिठा के दोनों को तुम उड़ चले आकाश। फिर पवन वेग से पहुंच गए थे तुम सुग्रीव के पास। इस तरह से हनुमान राम सुग्रीव की मैत्री कराते हैं।
फिर सुग्रीव ने राम प्रभु को अपनी व्यथा सुनाई। बाली मेरा दुश्मन है बना, जो है मेरा बड़ा भाई। मेरी पत्नी का हरण किया, मुझ महलों से बाहर किया। इतने पर भी नहीं चैन आया, मेरे प्राणों के पीछे पड़ा। मैंने सुना तुम भक्तों के वत्सल हो प्रभु जी राम। दुखड़े अब मेरे दूर करो, हर के बाली के प्राण। एक बाण से बाली को मारा, सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने बदले में सीता की खोज का प्रण थकिया। इस भीड़ का मुखिया हनुमत बाला जी को बनाते हैं। राम मुद्रिका लेकर फिर हनुमान जी चल पड़े। ले संग में सेना दक्षिण दिशा की ओर थे वो बड़े। चलते चलते वो पहुंच गए सागर तट के पास। सीता की सुधी ना पाई थी, सब मन ही मन थे उदास। फिर गिद्धराज संपाति ने था रास्ता बतलाया। सीता है जल्दी पार लंका में, ये था बतलाया। इतने विशाल जल्धि को भला कोई कैसे पार करे। इस संकट की घड़ी में प्रभु ही बेड़ा पार करे। सभी वीर और रणधीर उपाय सोचन लग जाते हैं। हनुमान जी शाप के कारण से बैठे चुपचाप। फिर अंगद ने और जामवंत ने दिलाई शक्ति याद। अब याद आई सब शक्तियां, रूप बनाया विकराला। प्रभु राम का नाम लिया मन में और बोले फिर बाला। अब पवन वेग से उड़कर मैं लंका को जाऊंगा, और मात सिया की सुधी को लेकर वापस आऊंगा। दिए जामवंत आशीष तुम्हें, तुम सफल हो जाओगे। सीता की सुधी को पाओगे, प्रभु काज बनाओगे। देखो हनुमत बालाजी कैसी छलांग लगाते हैं। सागर को लांग के हनुमान जी पर्वत पर गए। लंका नगरी के सारे नजारे झट से समझ गए। रक्षा व्यवस्था रास्ते नगरी सब कुछ जान लिया। और युद्ध की दृष्टि से बाला ने सब पहचान लिया। फिर सूक्ष्म रूप में जो ही नगरी के द्वारे पहुंचे, वह द्वार पे लंकिनी ने पकड़ा और पूछा कहाँ चले।
एक प्रहार से लंकिनी का तुमने था संहार किया, एक शाप ग्रसित कन्या का बाला ने उद्धार किया। अब लंका में बालाजी देखो प्रवेश पाते हैं,